हेलो दोस्तों, मैं हूं गजानन और हम देख रहे थे अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण पढ़ रहे थे और अवकल समीकरण में अवकल समीकरण तीन लेक्चर हो चुके हैं। तीन लेक्चरों में हमने पहले पढ़ा वह अवकल समीकरण होता क्या है और अवकल समीकरण की कोटि और घात कैसे पता की जाती है। तो पहले पढ़ा हमने अवकल समीकरण की घात और कोटि, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं। अवकल समीकरण का निर्माण, फिर उसके बाद में पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि अवकल समीकरण को हल कैसे करते हैं। अवकल समीकरण का हल, यहां तक देखने के बाद आज हम देखेंगे प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, यानी ऐसे समीकरण जिसमें जो जिसमें कोटि कितनी हो, एक हो, और घात भी कितनी हो, एक हो। ठीक है, तो इस प्रकार के अवकल समीकरण का हल कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब इसमें टाइप है, छह टाइप है। पहला टाइप है वेरिएबल सेपरेशन, यानी चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण, यानी ऐसे समीकरण जिसमें हम चरों को पृथक्करण कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी है, यह दे रखा है dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई। यह कोई x का फलन है और यह कोई y का फलन है। तो चरों को पृथक्करण में हम क्या करेंगे कि जो भी x का फलन है, ठीक है, वो x की तरफ रखेंगे और जो y का फलन है वो y की तरफ। यानी इसको कैसे करेंगे, dy जो y का फलन है y की तरफ ले आएंगे और एफ ऑफ एक्स dx, यानी dx की तरफ f ऑफ x, यानी x का फलन रखेंगे और फिर दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे अभी। उसके बाद में आता है कि चरों का पृथक्करण तो कर दिया, ठीक है, कोई ऐसे समीकरण है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, प्रतिस्थापन द्वारा चरों के प्रतिकरण पृथक्करण में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी प्रतिस्थापन द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा चरों का पृथक्करण संभव हो। उसमें क्या करेंगे कि जो भी, जैसे मान लो कोई x प्लस वाई प्लस वन है, तो उसमें क्या करेंगे हम किसी अलग वेरिएबल को मान लेंगे, ठीक है, t मान के उसको वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है समघात अवकल समीकरण, ऐसे समीकरण जो समघाती हो। ठीक है, तो समघात अवकल समीकरण, फिर उसके बाद में ऐसे समीकरण जिसको समघात में कन्वर्ट कर सके, यानी समघात अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण में चेंज होने वाले, चेंज होने वाली। ठीक है, ये हम अलग अलग एक्सरसाइज में देखेंगे। जैसे इसमें 12.4 है, ये 12.5 है, ये ऐसे 12.6 है, ये 12.7 है, ऐसे एक्सरसाइज भी करेंगे। उसके बाद में आता है रेखीय अवकल समीकरण, रेखीय अवकल समीकरण। ठीक है, और इसी की तरीके है कि जिसे रेखीय में कन्वर्ट किया जा सके, यानी रेखीय अवकल समीकरण में, समीकरण में सम्मानित, यानी चेंज होने वाली, सम्मानित होने वाली समीकरण। तो ये छह टाइप हैं, इन छह टाइप को हम करेंगे। पहला आज हम करेंगे चरों का पृथक्करण। ठीक है, तो चरों का पृथक्करण में 12.4 देखेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे प्रतिस्थापन द्वारा,
और उसके बाद में आगे जैसे जैसे चलते रहेंगे वो 12.5, 12.6 ऐसे एक्सरसाइज करते रहेंगे। अब हम करते हैं चरों का पृथक्करण और उसमें करते हैं 12.4, ठीक है। आज हम देखते हैं चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण यानी वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन। इसमें देखते हैं एक्सरसाइज 12.4, ठीक है। 12.4 है, 12.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है ए की पावर वाई प्लस वन कोस एक्स डी एक्स प्लस ए की पावर वाई साइन एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको सोल्व करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन लगा रहे हैं। वेरिएबल सेपरेशन मीन्स एक्स के पदों को एक तरफ रखेंगे और डीवाई के पदों को डीवाई की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर डीएक्स है, इसको इधर ले जाएंगे तो ए की पावर वाई प्लस वन कोस एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस ए की पावर वाई साइन एक्स डी, ठीक है। यहां पर डीवाई है, यहां पर डीएक्स है, यानी अक्ष के पदों को इस तरफ रखेंगे और वाई के पदों को उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे साइन एक्स है, अक्ष का पद है, तो इसको इधर ले आएंगे कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, और यहां पे है पूरा पद है वाई का, ठीक है। तो वाई को उधर ले जाएंगे पूरे पद को, तो माइनस का ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर वाई प्लस वन, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल सेपरेशन, मतलब डीएक्स के पद डीएक्स की तरफ अक्ष के पदों को और डीवाई की तरफ वाई के पदों को हमने लिख दिया है। अब दूसरा स्टेप क्या आता है, इसको समाकलन करना है, ठीक है। दोनों तरफ समाकलन कर देना, दोनों तरफ समाकलन करना है। अब मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको समाकलन आता है और आपको समाकलन आना नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें समाकलन की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, यदि किसी को नहीं आता है तो वो एक बार देख ले। यहां पर साइन एक्स कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। यहां पे हम इसको टी मानेंगे, इसको टी मानेंगे, तो इसका अवकलन क्या है, कोस एक्स है वो ऊपर लिखा हुआ है, यानी वो डीटी हो जाएगा, तो ये डीटी अपॉन टी ये हो जाएगा, ठीक है। अब वन अपॉन टी का समाकलन क्या होता है, लॉग टी, ठीक है। अब लॉग टी की जगह वापस लिख देंगे तो लॉग ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसका समाकलन क्या हो गया, इसका समाकलन हो गया log ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब उस तरफ समाकलन करेंगे तो माइनस तो बाहर रहेगा, इसका समाकलन करना है। अब इसको पूरे को अपन को टी मान लेना, ठीक है। दोनों तरफ इसको टी मान लिया तो ए की पावर वाई, इसका अवकलन करेंगे ए की पावर वाई का ए की पावर वाई और वन का जीरो, तो ये डी वाई इक्वल टू डी टी। तो ये ऊपर वाला पूरा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, डीटी, यानी डीटी अपॉन टी, ये भी टी हो गया, ठीक है। अब इसका समाकलन करना, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ टी। अब टी की जगह क्या लिखा हुआ है, ए की पावर वाई प्लस वन, तो लॉग ऑफ ए की पावर वाई प्लस वन, इसका समाकलन कितना हो गया, माइनस तो बाहर रहेगा वो, तो इसका हो गया समाकलन लॉग ऑफ ए की पावर वाई प्लस वन, ठीक है। अब ये कॉन्स्टेंट आएगा समाकलन गुणांक लॉग ऑफ सी लिख देते हैं। लॉग ऑफ सी क्यों लिखा, सी क्यों नहीं लिखा है, वो इसलिए ताकि क्योंकि यहां पे लॉग है, यहां पे लॉग है, तो लॉग सी लिख दिया तो वो आसानी रहेगा, ठीक है, इसलिए लिखा है। तो इसको इधर ले आएंगे लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ए की पावर वाई प्लस वन, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू लॉग ऑफ सी। अब लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती है, लॉग एम प्लस लॉग एन को क्या लिख सकते हैं, लॉग एम एन, इसको क्या लिखेंगे, लॉग दोनों मल्टीप्लाई लेंगे तो साइन एक्स इंटू ए की पावर वाई प्लस वन, ये मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू लॉग ऑफ सी, ठीक है। अब इसको क्या लिख देंगे, लॉग से लॉग कट जाएगा तो जो बच गया वो क्या हो गया, साइन एक्स और ये मल्टीप्लाई में क्या है, ए की पावर वाई प्लस वन इक्वल टू सी, ये आंसर आ गया, ठीक है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो, ठीक है। इसमें वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इस तरफ डी वाई का पद और इस तरफ डी एक्स का पद, तो डीएक्स की तरफ एक्स के पदों को रखना है और डीवाई की तरफ वाई के पदों को रखना है, ठीक है। तो वाई का पद ये है, तो इसको इधर ले आएंगे, तो डीवाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स के पद को उधर ले जाएंगे, तो डीएक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या था, इसको दोनों तरफ समाकलन करना है, तो इसके दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। अब समाकलन करते हैं तो इसका जो सीधा फॉर्मूला है वो क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और इसका क्या होगा, टेन इनवर्स वाई। यहाँ पे समाकलन गुणांक लगाते हैं, एक समाकलन कांस्टेंट है सी। अब इसको टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। अब हमें पता है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला होता है, ये होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ठीक है। यहां पे प्लस होता है, यहां पे प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है, ठीक है, ये विपरीत हो जाता है ओनली, ये चेंज होता है। तो यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई, यहां पर पहले वाई है एक्स है, तो वो इसी तरह से वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स वाई इक्वल टू सी। ये भी टेन इनवर्स है तो ये उधर जाएगा, तो टेन सी हो जाएगा, तो वाई माइनस एक्स इक्वल टू टेन सी, और नीचे क्या है, वन प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब ये टोटल क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको एक नया कॉन्स्टेंट दे देते हैं हम, कैपिटल सी, ठीक है। तो वाई इक्वल टू, वाई इक्वल टू ये वाई माइनस एक्स इक्वल टू ये सी इन टू वन प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स को उधर ले जाएंगे, x प्लस सी इंटू वन प्लस एक्स वाई, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वन डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स वाई, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, dy y के पदों को एक तरफ करेंगे, तो y का पद इधर है, तो y को इधर ले आएंगे इक्वल टू इस dx को उधर लेके जाएंगे, तो टू एक्स डी एक्स, और x प्लस वन इसको भी उधर ले जाएंगे x प्लस वन, ठीक है। इसमें क्या क्या dy था, dy को यहां पर रखा, और y का पद इधर था, तो y के पद को इधर ले आए और dx को उधर लेके गए, तो x का पद इधर कर दिया dx की तरफ और y का पद dy की तरफ। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन। इसमें समाकलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि समाकलन आता है तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, वरना बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले समाकलन आना जरूरी है। अभी यहां पे देखते हैं इसका समाकलन, वन अपॉन वाई का समाकलन क्या होता है, लॉग वाई, लॉग वाई इक्वल टू यहां पे क्या होगा, टू को कॉमन ले लेते हैं और समाकलन करते हैं, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, टू तो कॉमन है, अब क्या करेंगे यहां पर एक्स एक बार प्लस वन जोड़ देंगे और माइनस वन कर देंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने प्लस वन और माइनस वन क्यों किया, ताकि एक्स प्लस वन पद बन जाए और हम डिवाइड कर सके, ठीक है। तो यहां पे एक्स प्लस वन, अब क्या करेंगे, टू एक्स प्लस वन को और एक्स प्लस वन को, तो इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन डिवाइड हो गया, तो यहां पर बच गया क्या, वन, और यहां पर डीएक्स हो गया, तो वन इंटू डीएक्स, ठीक है। फिर आगे माइनस का समाकलन, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस वन डीएक्स। अब इसका समाकलन करना इजी है, अब इसका समाकलन कर देते हैं, टू वन डीएक्स, वन का समाकलन कितना होता है, एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो वन अपॉन समथिंग, वन अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, और एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा सी, और यहां पे आ रहा है लॉग वाई, ठीक है। तो जो आंसर है यही है, लॉग वाई इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर एक की पावर
माइनस वाई, ठीक है। तो dy इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर x अपॉन a की पावर x इंटू a की पावर माइनस वाई, ठीक है। a की पावर x माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, a की पावर x इंटू a की पावर माइनस वाई, इसको दोनों तरफ टुकड़ों में लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर ए की पावर माइनस वाई, यहां से ए की पावर माइनस वाई और ए की पावर माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो ए की पावर माइनस वाई कॉमन आ गया, यहां बच गया ए की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक यहां पे है डीवाई बाई डीएक्स, अब क्या करेंगे कि वाई के पदों को वाई डीवाई की तरफ और एक्स के पदों को डीएक्स की तरफ, तो एक्स का पद है तो इसको डीएक्स को इधर ले जाएंगे और वाई को इधर ले जाएंगे, तो डीवाई अपॉन ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। ई की पावर माइनस वाई है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई डीवाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कि एक्स का डीएक्स का, डीएक्स की तरफ एक्स के पदों को और डीवाई की तरफ वाई के पदों को रखने के बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन, तो दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। तो e की पावर y dy का समाकलन, e की पावर y का समाकलन क्या होता है, e की पावर y, तो e की पावर y का e की पावर y होता है इक्वल टू e की पावर x का समाकलन x के सापेक्ष, e की पावर x प्लस x स्क्वायर का समाकलन x क्यूब अपॉन 3, ठीक है। और जो कांस्टेंट है वो समाकलन कांस्टेंट c आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीवाई प्लस साइन एक्स माइनस सॉरी कोस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे इस पद को, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीवाई इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। अब x के पदों को dx की तरफ और dy के पदों को y की तरफ, dy की तरफ y के पदों को, ठीक है। तो dy y का पद तो यहां पे है नहीं, तो dy इक्वल टू माइनस का cos x माइनस साइन x dx अपॉन, ये पूरा x का पद है तो उसको उधर ले जाएंगे, तो साइन x प्लस cos x, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन, तो दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं, तो माइनस यहां पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको हम टी मानते हैं, ठीक है, इसको हमने टी माना, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कोस एक्स और कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, डीएक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डीटी, यानी जो ऊपर वाला पूरा पद है वो क्या हो गया डीटी, तो समाकलन क्या हो गया, समाकलन हो डीटी अपॉन टी, ठीक है। तो इसका समाकलन क्या होता है वन अपॉन टी का log t प्लस c, तो log अब t की वैल्यू वापस रख देंगे, तो t की वैल्यू क्या थी sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस cos x प्लस c है और यहां पे क्या था y, इसका समाकलन क्या होता है y, dy का y के सापेक्ष क्या होगा y, तो y इक्वल टू log sin x प्लस cos x, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy by dx इक्वल टू थ्री e की पावर टू एक्स प्लस थ्री e की पावर फोर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे dy इक्वल टू ये x का पद है तो थ्री e की पावर टू एक्स प्लस थ्री e की पावर फोर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स इंटू dx, dx को उधर ले जाएंगे। अब यहां पे क्या करेंगे थ्री कॉमन आ रहा है थ्री और यहां पे हम कॉमन लेंगे ए की पावर थ्री एक्स, ताकि थ्री की ए की पावर थ्री एक्स जब कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या जाएगा ए की पावर माइनस एक्स और यहां पे क्या बच जाएगा ए की पावर एक्स, तो ये कट जाएगा, तो ए की पावर थ्री एक्स हमने कॉमन ले लिया यहां से, तो यहां ए की पावर टू एक्स है तो ऊपर नीचे से मान लो कि ए की पावर एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए की पावर ऊपर ए की पावर थ्री एक्स हो गया, नीचे क्या हो गया ए की पावर एक्स, तो ये तो कॉमन आ गया, तो ये बच गया क्या ए की पावर एक्स वन अपॉन ए की पावर एक्स, तो जब ऊपर जाएगा तो ए की पावर माइनस एक्स बच जाएगा,
तो यहां पे क्या बच जाएगा, e की पावर माइनस एक्स प्लस, यहां पे e की पावर 4x था, e की पावर 3x हमने कॉमन ले लिया, तो बच गया क्या, e की पावर x। और नीचे क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये तो कट जाएगा, बच गया क्या 3 e की पावर 3x dx, और यहां पे आ गया y। अब क्या करेंगे, y की तरफ y का पद है नहीं, tx की तरफ x का पद हमने रख दिया है, तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन, तो y इक्वल टू ये 3 बाहर आ जाएगा, समाकलन ऑफ e की पावर 3x dx। अब इसका समाकलन करेंगे, तो e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x, तो यहां पे e की पावर 3x है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर 3x अपॉन 3x का सब समाकलन करेंगे तो अपॉन 3, तो ये 3 से 3 कट गया, ये कांस्टेंट आ गया c1, तो उत्तर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, e की पावर 3x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sec स्क्वायर x tan y dy प्लस sec स्क्वायर y tan x dx इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, y को dy की तरफ और x को dx की तरफ, तो इसको उधर ले जाएंगे, sec स्क्वायर x tan y dy इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y tan x dx। अब ये y का पद है, तो y की तरफ और ये x का है, तो उधर ले जाएंगे इसको, तो इसको उधर ले जाएंगे y को इधर, तो tan y अपॉन sec स्क्वायर y dy इक्वल टू माइनस का tan x अपॉन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx, ठीक है, x dx की तरफ है, y dy की तरफ है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन, अब कर देंगे अपन दोनों तरफ समाकलन, तो इसका समाकलन करने के लिए इनको पहले साइन और कोस में तोड़ देते हैं, तो साइन एक्स टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन सेक स्क्वायर वाई, यहां पे वाई है और सेक स्क्वायर वाई को क्या निकलेंगे, वन अपॉन कोस स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू माइनस का, इसको भी इसी तरह साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डिवाइडेड वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहां पे साइन वाई अपॉन कोस वाई है और वन अपॉन कोस स्क्वायर वाई है, तो एक कोस वाई स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है, एक बच जाएगा यहां पे, और यहां से ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा साइन वाई अपॉन वन और वन अपॉन कोस वाई, तो ये कोस वाई जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन है साइन वाई इंटू कोस वाई इंटू डी वाई, ठीक है, इसी तरह ये क्या होगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन कर सकते हैं आसानी से, इसको हम टी मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा डी टी टोटल, क्योंकि साइन वाई का साइन वाई का अवकलन क्या होगा, कोस वाई डी वाई, ये डी टी हो जाएगा, तो टी डी टी, तो समाकलन ऑफ टी डी टी, इसका समाकलन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, तो टी स्क्वायर को, अब टी की वैल्यू क्या थी साइन वाई, तो साइन स्क्वायर वाई, तो इसका जो समाकलन होगा वो क्या हो गया, साइन स्क्वायर वाई इक्वल माइनस का, यहां पे भी क्या होगा, इसको हम टी मानेंगे, ये टोटल डी टी हो जाएगा, और टी का समाकलन क्या होता है टी स्क्वायर, और टी की जब वैल्यू रखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और जो समाकलन कॉन्स्टेंट है उसकी, यहां पे जो आंसर आ गया वो आ गया साइन स्क्वायर एक्स, इसको इधर ले जाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू टू लॉग एक्स प्लस वन अपॉन साइन वाई प्लस वाई कोस वाई, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, डीवाई का डीवाई की तरफ वाई के पदों को साइन वाई प्लस वाई कोस वाई, इसको इधर ले आएंगे इंटू डी वाई इक्वल टू डी एक्स को इधर ले आएंगे, तो एक्स इंटू टू लॉग एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। अब dx की तरफ x के पदों को dy की तरफ y के पदों को रखने पर आप दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं, तो यहां पे sin y प्लस y cos y, ये किसका है, y इंटू साइन y, इसका अवकलन क्या होता है y को एज इट इज u डॉट v से,
वाई को एज इट इज रखा, साइन वाई को, और साइन वाई का अवकलन क्या होगा, कोस वाई, प्लस इस बार वी को एज इट इज साइन वाई, और वाई का अवकलन वन, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है, तो वाई के सापेक्ष क्या होगा ये, तो इसका अवकलन क्या है, वाई कोस वाई प्लस साइन वाई, यानी इसका जो समाकलन होगा वो क्या होगा, वाई साइन वाई, वाई कोस वाई प्लस साइन वाई का समाकलन क्या होगा, वाई साइन वाई, तो इसका जो समाकलन हो गया वो क्या हो गया, वाई इंटू साइन वाई, क्योंकि ये समाकलन क्या होता है, अवकलन का बिल्कुल विपरीत होता है, कि इसका यदि अवकलन ये है तो इसका जो समाकलन होगा वो इसके अवकलन के बराबर होगा, यानी वाई साइन वाई के बराबर होगा, इक्वल टू इसका समाकलन करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, आईलेट, हमने समाकलन में पढ़ा होगा एक आईलेट रूल होता है, आई एल ए टी, ठीक है, जिसमें हम नंबरिंग देते हैं, कि जैसे मान लो ये लॉगरिथम है, ये लॉगरिथम है और ये क्या है एलजेब्रिक फंक्शन, ये एलजेब्रे वाला है और ये क्या है लॉगरिथम फंक्शन, तो एलजेब्रे वाले को बाद में देते हैं, लॉग को पहले देते हैं, तो इसको फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकेंड नंबर दे देंगे, ठीक है। अब ये समाकलन होता है यू डॉट वी का, इसको समाकलन कैसे करते हैं, तो यू को एज इट इज, ठीक है, यू को एज इट इज रखते हैं और वी का समाकलन करते हैं, माइनस समाकलन ऑफ वी का अवकलन डी यू इंटू वी का समाकलन और टोटल का समाकलन करते हैं, ठीक है, इस टोटल का समाकलन कर देते हैं, इसका अवकलन करते हैं, ठीक है, ये इसमें लगा दें तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, टू लॉग एक्स प्लस वन, ठीक है, टू लॉग एक्स प्लस वन, और इसका दूसरे वाले का समाकलन कर देंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, इसका समाकलन क्या होगा, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस समाकलन हो फर्स्ट को, जो फर्स्ट था उसका अवकलन करना है, इसका अवकलन क्या होगा, टू इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स का अवकलन वन अपॉन एक्स, और वन का अवकलन तो जीरो हो जाएगा, इंटू समाकलन ऑफ इसका सेकेंड का समाकलन, तो इसका समाकलन करना है एक्स डीएक्स, ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई वाई, एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, ये टू है, टू से टू कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस वन, ठीक है, ये आ गया, ये आएगा टू, ऐसे नहीं आएगा क्योंकि ये अलग है, ठीक है, ये टोटल है, तो जब हम यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल को, एक्स स्क्वायर वाई बाई टू, माइनस अब इसका समाकलन करेंगे टू अपॉन, ठीक है, ये टोटल का, तो इसका समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई बाई टू इन टू टू बाई एक्स, तो टू से तो टू कट गया, एक्स से एक्स कट गया, यानी समाकलन ऑफ एक्स डी एक्स, ये बच गया, इसको क्या होगा, इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस इसका समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो इससे कट जाएगा, और यहां पे क्या आ गया, वाई साइन वाई, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, वाई साइन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी। इसमें समाकलन इंपॉर्टेंट है, इसमें आईलेट लगाया है, फर्स्ट फंक्शन इसको माना है, सेकंड इसको, और वो फॉर्मूला लगा दिया है यू डॉट बी का, यहां पे समाकलन किया इसको, बाकी वो सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्लस कोस एक्स डी वाई इक्वल टू वन माइनस कोस एक्स डी एक्स, ठीक है, तो एक्स के तरफ डी एक्स की तरफ एक्स के पदों को रख देंगे, तो डी वाई इक्वल टू वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला की जरूरत है, कि कोस टू एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक तो ये होता है, और एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टू एक्स है और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे थीटा जी समझ लो, जैसे मान लो टू थीटा है, ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, यहाँ पे टू थीटा था और यहाँ पे आधा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे हम कोस एक्स को लिख रहे हैं, तो कोस एक्स को इन फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, तो टू कोस स्क्वायर यहाँ पे एक्स है, इसका आधा हो जाएगा एक्स बाई टू माइनस वन, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, इसका आधा क्या होगा एक्स बाई टू,
अब इस फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स, इस 1 को हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ताकि ये 1 हट जाए, यानी यहाँ पे प्लस 1 आना चाहिए। यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रखेंगे ताकि 1 से 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस 1 से कट जाए, यानी कौन सा लगाएंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। यहाँ से तो जब ये माइनस होगा तो कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, तो बच गया क्या 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ से 2 से 2 कट गया, और बचा क्या टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे क्या चल रहा था dy। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे dx चल रहा है, ठीक है। अब दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, तो dy है तो 1 का समाकलन क्या होता है y इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का तो समाकलन होता नहीं, इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये त्रिकोणमिति से है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अब इसका समाकलन कर देंगे। अब हमें पता है sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है टेन एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का पहले तो टेन एक्स बाई 2, ठीक है। अब एक्स बाई 2 का समाकलन करना पड़ेगा, तो समाकलन में क्या करते हैं जो भी गुणांक है उसको डिवाइड में करते हैं, तो 1 अपॉन 2 है डिवाइड में, तो 1 अपॉन 2 यानी 1 अपॉन 2 तो ऊपर चला जाएगा 2 माइनस समाकलन, इसको 1 का समाकलन करना है तो वो क्या आएगा एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स प्लस सी, ये क्या है वाई, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर क्या है y इक्वल टू 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अंडरवुड 1 माइनस एक्स की पावर 6 dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो dx की तरफ x के पद होगा, dy की तरफ y के पद होगा, y का पद तो है नहीं, तो dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को, तो पूरे पद को यहाँ पे लाने पर एक्स की पावर 6 dx। अब क्या करेंगे दोनों तरफ समाकलन, ठीक है। तो y इक्वल टू यहाँ पे तो समाकलन क्या हो गया y इक्वल टू, अब इसका समाकलन करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स की पावर 6 है तो एक्स की पावर 6 को एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब क्या करेंगे एक्स क्यूब को टी मान लेंगे, एक्स क्यूब को टी मानेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, और ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर dx, तो एक्स स्क्वायर dx को हम क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 3, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे dt अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3, मैं 3 को बाहर ले आ रहा हूं, अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अभी हमें पता है 1 अपॉन 3 dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका जो समाकलन होता है वो क्या होता है साइन इनवर्स टी, तो साइन इनवर्स टी प्लस सी। तो जो चल रहा था वाई इक्वल टू 1 अपॉन 3 साइन इनवर्स, अब टी की वैल्यू क्या थी एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस सी, जैसे आप ओल यहीं पर रखते हैं, ठीक है, या 3 को इधर ले आओ तो 3 वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस, ये 3 से होगा एक नया कॉन्स्टेंट लिख देंगे ना, वो भी कॉन्स्टेंट ही है तो सी, 3 वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है।